सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज का वीडियो भाई होने वाला है प्राइम वीडियो एंड के इंडियन कंटेंट को लेकर उनकी स्ट्रेटजी के बारे में, जिसके अंदर मेजरली हम लोग बात करेंगे कि क्यों इंडियन शोज इतने डिले हो रहे हैं, जिसके अंदर मिर्जापुर एंड जो लाइक अपनी पंचायत सीरीज है उनके नए सीजन तो हाईलाइटेड रहेंगे ही, लेकिन कुछ अपकमिंग और इंडियन शोज की बात करने वाले हैं। कुछ अपडेट मैंने भाई खुद से एंड अपने सोर्सेज की हेल्प से एंड आर्टिकल्स की हेल्प से निकालने की कोशिश करी है, तो उन्हीं सबको इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताएंगे। तो वॉच वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, इस साल Amazon Prime के ऊपर आप लोग को दो सबसे बड़ी रिलीजेस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर पंचायत एंड मिर्जापुर का नाम शामिल है, जिनके आप लोग को सीजन 3 इसी साल देखने को मिलेंगे, ये चीज कंफर्म है। अब देखो, पंचायत से ज्यादा लोग मिर्जापुर का वेट कर रहे हैं, बट पंचायत की भी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है। पहले अपडेट्स ऐसी आ रही थी कि पंचायत मिर्जापुर के पहले आप लोग को देखने को मिलेगी, एंड जो रिसेंट अपडेट्स थी उसमें बताया जा रहा था कि मई के अंदर आप लोग को पंचायत का जो सीजन 3 है वो देखने को मिल सकता है। वहीं बताया जा रहा था कि जो लाइक अपनी मिर्जापुर की सीरीज है वो आप लोग को जून तक आराम से देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों इशूज काफी ज्यादा डिले हो चुके हैं। बट इनके पीछे का एग्जैक्ट रीजन अभी तक किसी को भी पता नहीं चला था, बट रिसेंटली भाई जो हमने अपनी तरफ से अपडेट निकाली है उसमें बताया जा रहा है कि वैसे भी इनके काफी सारे अपकमिंग इंडियन शोज थे जो कि इस साल रिलीज होने वाले थे, जो कि अभी आप लोग को प्राइम वीडियो पर देखने को भी मिलते हैं। उसकी वजह से प्राइम वीडियो ने कुछ अपने पुराने शोज को रिशेड्यूल करा था, जिसके अंदर आप लोग को पंचायत की जो रिलीज डेट है वो भी चेंज होती हुई देखने को मिली है। पहले अपडेट्स थी कि जनवरी में ही आ जाएगा शो, लेकिन अभी आप लोग को ये शो देखने को नहीं मिला है। वहीं मिर्जापुर को भी बताया गया है कि कुछ डिले करा गया है, एंड एज ऑफ नाउ आपको बताया कि आईपीएल चल रहा है एंड आईपीएल चलेगा मई लास्ट तक। तो दैट मींस कि आईपीएल के टाइम पे कोई भी बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने इंडियन शोज को तो रिलीज करना नहीं चाहेगा, क्योंकि शाम के टाइम से ही जो एक बड़ा चंक है ऑडियंस का वो दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मैच देखने चला जाता है, एंड मैच में अराउंड उनके 3 से 4 घंटे चले जाते हैं, तो उनको अपने शो के प्रमोशन के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, एंड जो व्यूअरशिप है वो भी लाइक शो की इंपैक्ट हो सकती है। एंड आपको पता है कि नए सीजन में ये भी खतरा रहता है कि स्टोरी ऑडियंस को कितनी पसंद आएगी। हालांकि मेरे को नहीं लगता है कि मिर्जापुर शो को लाइक किसी भी ज्यादा पीआर की जरूरत है, बिकॉज ऑलरेडी उसके लिए ऑडियंस काफी ज्यादा इंतजार कर रही है, बट मार्केटिंग टीम का लाइक आपको पता है कि अपना ही अलग प्रेशर होता है, एंड उन लोग को हर एक चीज उसी हिसाब से करनी पड़ती है जिस हिसाब से स्टूडियो बोले। एंड दैट्स व्हाई बताया जा रहा है कि आईपीएल तक आप लोग को मिर्जापुर के ऊपर ज्यादा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, एंड जैसे ही आईपीएल एंड होगा उसके बाद आप लोग को प्रमोशनल जो एक्टिविटीज हैं वो अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। तो अभी करंटली जो चांसेस थे कि आप लोग को पंचायत का शो लाइक मई के अंदर देखने को मिलेगा, अब उसके भी चांसेस बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। अभी तो हालात इस तरीके से हो गए हैं कि बताया जा रहा है कि पंचायत शायद आप लोग को अब मिर्जापुर के बाद देखने को मिले। अब अगर बात करें कि ये दोनों शोज आप लोग को कब तक देखने को मिलेंगे, तो देखो भैया, इस साल के थर्ड क्वार्टर से पहले अब ये शोज रिलीज नहीं होने वाले हैं, जिसमें लाइक पॉसिबिलिटी है कि आप लोग को पहले मिर्जापुर देखने को मिलेगा, देन Amazon Prime का एक नया शो आ रहा है जिसका नाम है सिटेडल, जिसको बताया जा रहा है कि सितंबर तक ये लोग रिलीज करेंगे, एंड उसके बाद आप लोग को साथ इस साल के लास्ट क्वार्टर तक जो अपनी पंचायत सीरीज है वो रिशेड्यूल होती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स अभी बता रही है कि मई में शो आएगा, एंड कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इसकी रिलीज को चेंज कर दिया गया है। अब देखो, एक तो Amazon Prime के जो शोज होते हैं ना उनकी इतनी रिलीज चेंज होती है कि किसी एक रिपोर्ट पे एकदम बिलीव करना भी अच्छी बात नहीं है, तो आगे जैसे अगर इनकी रिलीज के अंदर कोई चेंजेस होंगे देन वो मैं आप लोग को डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा। बट यस, एज ऑफ नाउ आप ये चीज तो भूल जाओ कि आप लोग को मई से पहले इन शोज के ऊपर कोई भी ज्यादा अपडेट लाइक प्राइम वीडियो की तरफ से सुनने को मिलेगी। अगर कोई सरप्राइज प्राइम वीडियो ने दे दिया देन उसकी खबर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अब अगर बात करें कि इन शोज के वर्क कहां तक पहुंचे हैं, तो देखो अभी तक जितना हमको पता चला है सबका काम खत्म हो चुका है। इनफैक्ट जो नए शोज प्राइम वीडियो के इंडिया के आने वाले हैं उनके ऊपर अभी करंटली ज्यादा फोकस प्राइम वीडियो कर रहा है, जिसके अंदर जैसे मैंने आप लोग को बताया कि सिटेडल तो सीरीज रहने वाली है जिसका इंडियन वर्जन आप लोग को देखने को मिलेगा, एंड इसका प्रमोशन भी धड़ल्ले से किया जाने वाला है क्योंकि बड़े बजट का शो है, एंड इसकी स्टार कास्ट भी हैवी है, जिसके अंदर आप लोग को वरुण धवन एंड समांथा देखने को मिलेंगी। इसके और भी काफी सारे इंडियन शोज हैं जो कि प्राइम वीडियो के ऊपर आप लोग को देखने को मिलेंगे, कुछ तो आप लोग को अभी आने वाले अपकमिंग मंथ्स में ही देखने को मिलने वाले हैं। तो जो छोटे मोटे शोज हैं वो आईपीएल के मंथ में भी रिलीज होते रहेंगे, बड़े शोज को अभी होल्ड करा जा रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आई है। जो नए शोज हैं उनकी लिस्ट मैं इधर पिन करे दे रहा हूं, आने वाले इंडियन शोज प्राइम वीडियो के ऊपर, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। एंड देखो भैया, अगर आप लोग मिर्जापुर एंड पंचायत को लेकर प्राइम वीडियो से गुस्सा हो तो इससे उनको ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है जैसे शो रिलीज हो जाएगा लोगों का गुस्सा भी लाइक वो लोग भूल जाएंगे। तो पीआर टीम को पता है कि किस तरीके से बड़े शोज को होल्ड करके लाइक ऑडियंस का एक्साइटमेंट बढ़ाना है, एंड किस तरीके से छोटे छोटे मटेरियल रिलीज करके लाइक आप लोग का गुस्सा शांत करना है। तो आगे जो कुछ भी नया होगा मैं आप लोग को बताऊंगा, बट इस अभी करंटली आप लोग को अराउंड 2 महीने का इंतजार
करना पड़ेगा इन शोज के अपडेट्स एंड इनको देखने के लिए। अच्छा, वीडियो एंड करने से पहले हम लोग अगर फर्जी एंड द फैमिली मैन के नए सीजन की बात कर लें तो देखो भैया, फर्जी सीरीज के ऊपर अभी करंटली स्क्रिप्टिंग तक का ही काम चालू है। नेक्स्ट ईयर से पहले इसका आप लोग को शूटिंग देखने को नहीं मिलेगा, तो इस शो को आने में भी काफी लंबा टाइम है। एंड अगर बात करें द फैमिली मैन की, तो उसका नए सीजन का जो स्क्रिप्टिंग का वर्क है वो डन हो चुका है एंड कास्टिंग भी फाइनलाइज हो चुकी है। अब शो जो है अपना शूटिंग स्टार्ट करेगा, जो कि बताया जा रहा है कि इसी साल से स्टार्ट हो जाएगी। तो चांसेस हाई रहेंगे कि भाई नेक्स्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर तक आप लोग को वो शो देखने को मिल जाए। हालांकि हाँ, इनके ऊपर मैं अपडेट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जैसे हमको डिटेल्स पता चलेंगी मैं आप लोग को एक अलग वीडियो बनाकर भी बता दूंगा। एंड मिर्जापुर एंड पंचायत के ऊपर भी जैसे और क्लैरिफिकेशन मेरे को मिलते रहेंगी, मैं आप लोग को टाइमली बेसिस पर अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है देन इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक लिटिल देन टेक यू बाय, पीस ऑफ।